हेलो नेट के प्राणियों। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समझदारों से सवाल जवाब के एपिसोड नंबर 1 में। तो इसमें मैं आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे कमेंट्स में जो आप लोग पूछते हैं, जो रह जाते हैं, जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं निकाल पाऊँ इससे, और हफ्ते में एक वीडियो ऐसी निकाल पाऊँ जिससे मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ। तो चलिए आज कुछ कमेंट्स लेते हैं जिनका मैं रिप्लाई करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये अच्छा लगेगा, और लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दारा सिंह का, जो कहते हैं भाई फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं होते, वीडियो बनाओ। देखिए दारा सिंह, आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं हाउ टू हैंडल फिजिक्स, उसमें मैंने काफ़ी बातें बता रखी हैं कि फिजिक्स को कैसे हैंडल करें। तो मेन यही होता है कि अपने कंसेप्ट क्लियर रखें, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा करें, और मेनली जो प्रीवियस ईयर होते हैं ना वो करें, और उन चैप्टर पर ज़्यादा फोकस दें जिनसे ज़्यादा आउटकम मिलता है, ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। अगर हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें रोटेशन में दिक्कत होती है, बट फिर भी रोटेशन मोशन के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि उससे कुछ उनका बनता भी नहीं है। तो ऐसा ना करें, जो चैप्टर से ज़्यादा इंक्लूड हो रहा है, नंबर ज़्यादा, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट कमेंट लेते हैं नेहा बरासकर का, तो प्रोनंसिएशन शायद रॉन्ग हो गई हो, तो ऐसे दिक्कत मत लेना। नेहा का क्वेश्चन है, सर आई एम डूइंग बालाजी पब्लिकेशन, ठीक है, MTG फिंगर टिप्स अरिहंत पब्लिकेशन इन बायोलॉजी अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर एम्स AIPMT एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई पोर्शन टिल एंड ऑफ डिसम्बर और मिड ऑफ जनवरी, विच अदर बुक शुड आई डू? एवरी डे आई एम रिवाइजिंग NCERT चैप्टर्स एंड प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट चैप्टर टू अलॉन्ग विद द रिविजन, इज इट इनफ? मोर देन इनफ, आप बहुत ही अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं, बट ये है कि NCERT को भी पढ़ना है, NCERT मत भूलना, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, और NCERT की थ्योरी, उसके कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी तैयारी फुल ऑन चल रही है, और इस तैयारी से, इस प्रिपरेशन से लगता है आप बिल्कुल एम्स क्रैक कर लेंगे, एम्स के लायक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगा आप सुन के कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, और यही कंटिन्यू रखना है, इसके अलावा और कोई बुक्स पे ज़्यादा जाना मत, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रोहित साहू का, मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें ड्रॉपर्स आर डेयरिंग के करके वीडियो डाली थी, तो उनमें उसने कमेंट करा है कि ये बात सत्य है कि ड्रॉपर रियल में डेयरिंग होते हैं, जब बात इज्जत की आती है तो उससे अच्छा कौन जान सकता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल रोहित। बिल्कुल सही कहा, सबसे डेयरिंग होते हैं ड्रॉपर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्की बंदे वही होते हैं, और सबसे ज़्यादा मेहनत भी वही करना जानते हैं, क्योंकि उनके साथ एक साल बीत चुकी होती है, और आप बहुत ही वे डेडिकेटेड लगते हैं, मैं आके काफ़ी कमेंट्स पढ़ता हूँ, और बस आप यही मेहनत करते जाएँ, और उम्मीद करता हूँ रोहित आप नेक्स्ट ईयर जरूर और 100% आप नीट या एम्स क्रैक करें, बस ऐसी मेहनत करते जाएं, और जितने भी ड्रॉपर्स हैं ना जो टेंशन लेते हैं, तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते जाएं और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर प्रियांशु सेव ह्यूमैनिटी की तरफ से, जो कहते हैं भैया JEE मेंस के फिजिक्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप प्लीज़ एनालाइज करके बता दीजिए भैया कि कौन से चैप्टर के JEE मेंस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल JEE मेंस के क्वेश्चन उन लोगों को करने चाहिए जो बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं फिजिक्स में, और ऐसा नहीं है JEE मेंस के क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं और रिपीट आते हैं, नीट में भी आते हैं। तो यही है कि आप अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, मोर देन 25 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप JEE मेंस के क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये है कि आप लोग होप लूज मत करना अगर आपसे JEE के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, क्योंकि JEE के क्वेश्चंस एज़ कम्पेयर टू नीट काफ़ी टफ होते हैं, तो इस बात की दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट में आ जाते हैं नीट में, क्योंकि जो टफनेस लेवल होती है ना वो वही क्वेश्चन बनाते हैं जो JEE मेंस टाइप के होते हैं, तो इसलिए अगर आप कर रहे हैं तो अच्छा है, नहीं कर रहे तो कोई इशू नहीं है, आप 25-26 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं अपने नीट के बेसिस पे पढ़ के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, कमेंट है आई एम स्टाइल्स की तरफ से, थैंक्स दिस चैनल इज़ मच बेटर फॉर मोटिवेशन, थैंक्स भाई, थैंक यू फॉर दैट, और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। और हाँ, आप लोग मेरे को ज़रूर बताना कि मैं कौन सा कंटेंट लाऊँ आपके लिए जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है, मैं आपके लिए क्या क्या और कर सकता हूँ, जैसे कि मैं MCQs डालता हूँ, GK के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और मोटिवेशनल वीडियोस लाता हूँ, तो आप मेरे को ज़रूर बताना कि रेगुलर बेसिस में मैं कौन सी वीडियोस लाया करूँ, ताकि मेरे को भी पता चले और मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूँ, ठीक है। प्लीज़ बताना, कमेंट करके गुजारिश है आप लोगों से, प्लीज़ ज़रूर बताना। तो ये क्वेश्चन है प्रदीप चंडेल की तरफ से, जो कहते हैं अरे भाई स्कूल में बोर्ड के लिए प्रैक्टिकल फाइल का काम करना है और प्रोजेक्ट भी बनाना है, क्या करें, अभी 12th में हूँ और प्री बोर्ड भी हैं, बोर्ड की प्रिपरेशन भी करनी है, प्लीज़ रिप्लाई, आई एम इन डिप्रेशन, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए प्रदीप, मैं आपसे यही कहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना आप टारगेट चूज़ कर लें कि आपको स्कूल वालों को ही मनाना है, स्कूल में ही प्री बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, या बोर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ के अच्छी परसेंटेज लाना है, क्योंकि एक मैंने वीडियो बताई है जिसमें मैंने आपको बताया
कि आप किस तरह बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं कुछ टाइम देके ही, और आप अपना घर से क्लियर कर लें कि हाँ मेरे को ज़्यादा मेन मेरे लिए नीट है। तो ये ना हो ना कि आप अगर बोर्ड भी कर रहे हैं नीट ना हो पाए, या नीट के लिए पढ़ रहे हैं और बोर्ड भी ना हो पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपना पाथ क्लियर रखना चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है तो नीट के लिए पढ़ना है। और प्री बोर्ड में फाइल वगैरह के लिए यार आप मार्केट से किसी से बनवा लें या अपने छोटे भाई बहन से हेल्प ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रैक्टिकल में अगर आपकी टीचर से बॉन्डिंग अच्छी है तो आपको ज़रूर अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो एक कमेंट है सोमनाथ कैरी की तरफ से, जिसमें वो कहते हैं दादा प्रॉमिस नीट 2019 विल बी क्रैक्ड, ओएमआर शीट में आग लगा दूंगा। देखिए ओएमआर शीट में आग मत लगाना, आग नहीं अपनों ने मतलब ये करना है फोड़ देना है अपन को, ये नहीं कि अभी आप जाएं और माचिस लेके आग लगा दें, ऐसा नहीं। आग पेपर में लगानी है, मतलब आपको अच्छे से क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे से अपने अटेम्प्ट करना है पेपर, और बिल्कुल सॉलिड तरीके से करना है। बिल्कुल डीमोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने तरीके से पढ़ते रहें, और ज़रूर ऐसा वो दिन आएगा, वो 3 घंटे आपके होंगे, और उसके बाद जब रिजल्ट निकलेगा आप फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर आएंगे, ठीक है। तो आग मत लगाना रियल में। एक कमेंट है डॉक्टर ध्रुव ज्योति की तरफ से, जो वो कहते हैं मैं IMS BHU जाने वाला हूँ, थैंक्स अविरल जी आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। डॉक्टर साहब तो यही कहूँगा आपसे बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपसे भी मेरे को काफ़ी उम्मीदें हैं कि आप जरूर निकालेंगे, और IMS BHU के आप एम्स भी क्रैक करेंगे, एम्स दिल्ली जाएंगे। बस आप मेहनत करते रहिए और कंसिस्टेंसी दिखाएं, और पूरा मन पूरी डेडिकेशन पढ़ाई को दे दें। ये 4-5 महीने हैं तो पूरा जितना हो सके आप उतनी मेहनत करें, और बेस्ट विशेज़ मेरी क्या सभी की आपके साथ हैं, और कंपटीशन है खेलो और ज़रूर आप सक्सेसफुल होगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ब्रिजेश का है, जिन्होंने कहा ब्रो यू टेल वी मस्ट रीड NCERT फिजिक्स बट आई कांट अंडरस्टैंड व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट बुक, हाउ कैन आई क्लियर माई कंसेप्ट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रियली बता दूँ, बिना गाइडेंस के फिजिक्स करना इम्पॉसिबल सा है। तो आप या तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो पहले वहाँ से अपने कंसेप्ट क्लियर करें, या ऑफलाइन अगर आपने टीचर हायर कर रखा है तो वहाँ से पढ़ें और अपने कंसेप्ट क्लियर करें, जो आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको लगाएं, उसके बाद आप NCERT उठाएं, तब आपके सारे क्वेश्चन ईजिली होने लगेंगे। बट बिना गाइडेंस के अगर आप सोच रहे हैं फिजिक्स में डायरेक्टली करने बैठ जाऊँ, एज हम देखते हैं बायोलॉजी हो जाती है, बट फिजिक्स ऐसे नहीं होगी, आपको किसी ना किसी की गाइडेंस जरूर चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि मेहनत करते जाओ, सॉलिड तरीके से पढ़ो, और ज़रूर आप सक्सेसफुल होगे। तो मुझे ज़रूर बताना है ये मेरा एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, और मैं हर हफ्ते कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। और मुझे प्लीज़ अभी ये बता दीजिए कि मैं किस चीज़ को कंटिन्यू करूँ बेसिस डेली बेसिस पे, या MCQs लाया करूँ, GK क्वेश्चन लाया करूँ, या मोटिवेशनल वीडियोज़ लाया करूँ, या कोई भी आप जो चीज़ चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करना, आप सभी से गुजारिश है। और उम्मीद करता हूँ आपके लिए मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल आ रहा होगा, और मैं आपके लिए थोड़ी थोड़ी जो कोशिश है मेरी कामयाब हो रही होगी, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ कमेंट जरूर करना। बाय बाय।